अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेक्टर होते क्या हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हमने बात करी लॉज ऑफ वेक्टर्स की। लॉज ऑफ वेक्टर्स में पहले हमने क्या डिस्कस किया कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हमने क्या देखा आगे कि अगर मोर देन टू वेक्टर्स होंगे तो उनको कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जब मोर देन टू वेक्टर्स होते हैं तो सभी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और सबको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी थी किसकी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, या फिर हमने उसको नाम दिया था लॉज ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एडिशन की, दो वेक्टर को ऐड करने जा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अच्छा, वहां पे हमने ये भी बोला था कि कब हमें मालूम चलेगा कि वेक्टर को ऐड करना है, तो जब भी न्यूमेरिकल में ऐसा बोलता है कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, या फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड आउट द टोटल फोर्स, या फिर पूछता है फाइंड आउट द नेट फोर्स, तो जब भी ऐसा कोई वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब है कि वहां पे हमें वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, या तो पूछता है फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, या फिर पूछता है फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, या फिर कई बार नेट वर्ड भी यूज किया जाता है। तो वहां पे भी हम किसकी बात करते हैं, वहां पे हम बात करते हैं वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर यही मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी वर्ड चेंज आएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि दो वेक्टर में चेंज कितना आया, तो इसका मतलब है कि वहां पे हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो, अगर हमारे पास एक वेक्टर मान लो ए है, और जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड मान लो 3 है। ये भी हमने डिफाइन किया था कि मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ए से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। दोनों तरीका सही था। अब हमारे पास एक और वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो हमारे पास दो वैक्टर है, एक वैक्टर ए दूसरा वैक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, मान लो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिया है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट अगेन मेरी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट अगेन क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 60। कॉस 60 मेरा 1/2 था, तो ये टर्म वहां पे कैंसिल आउट हो गई, और जो भी रिजल्टेंट वेक्टर सी है, रिजल्टेंट वेक्टर सी का मतलब हो गया मॉड ऑफ ए प्लस बी, भी लिख सकते हैं। देखो है कि नहीं, वहां पे जो वेक्टर सी है उसका मतलब है ए प्लस बी, तो जो भी वेक्टर सी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल के आ गया, वो आ गया अंडर रूट ऑफ, अब चेक कर लो वहां पे 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25, और 25 प्लस 12 कितना बन गया, 37। देखो एक ही नहीं वहां पे। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे रिजल्ट कितना आया, तो मेरा आंसर है कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे रिजल्ट मेरा आता है √37। लेकिन अब मैं तुमसे बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर को ऐड नहीं करना है, इन दोनों वेक्टर को अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है मैथ्स में कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, और जब हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रिजल्ट मेरी क्या होगी,
एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और मान लो रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हमने क्या बोल दिया, डी। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, जब दोनों वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, एक वेक्टर मिल गया, और उस वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इस रिजल्ट को बताओ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर डी, अगले स्टेप में इसको लिख दो यहां पे ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। देखो है कि नहीं वहां पे, हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अभी तक दोनों वेक्टर को हमने ऐड किया तो रिजल्ट कितना निकल के आया, रूट 37। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टरों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट अगेन क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। अब जो भी वेक्टर डी है उसको लिखा ए माइनस बी, इसको अगले स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा वहां पे। अब ये जो मैंने माइनस बी वेक्टर लिखा है इसको हम यहां पे अब नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर। अब जैसे देखो अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं कि एक फोर्स है एफ और इसकी वैल्यू है 10i कैप, मेरे पास एक वेक्टर है एफ और उसकी वैल्यू कितनी है 10i कैप, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और ये किसके अलोंग लग रहा है, ये लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड साइन लगा दिया, एफ की जगह अब मैंने क्या किया, एफ के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो बताओ एफ के आगे अगर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी -10i कैप। समझ में, एफ एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 10i कैप है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब मैंने बोला कि अगर कोई वेक्टर एफ है उसके आगे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू क्या हो गई, -10i कैप बन गई। -10i कैप का मतलब हो गया कि ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 है लेकिन अब ये किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ये जो माइनस एफ वेक्टर है ये एफ का नेगेटिव वेक्टर है। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं नेगेटिव वेक्टर यहां पे, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर की यहां पे हमें जरूरत पड़ रही है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है, इस रिजल्ट को देखो, नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन वहां पे क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। इसका मतलब है कि अगर इस तरह से मैंने शो किया है एफ वेक्टर तो मैं इसी तरह से क्या शो कर दूंगा, माइनस एफ वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो जब मैंने यहां पे ए माइनस बी वेक्टर लिखा है तो उसको अगले स्टेप में लिख दिया ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब है कि जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन को भी हमें क्या ट्रीट करना है, सब्ट्रैक्शन को भी हमें ट्रीट करना है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। समझे, जब भी हमें वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उनमें से एक वेक्टर का हमें क्या लेना है, नेगेटिव वेक्टर लेना है। क्लियर है इतनी चीज, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मतलब है दो वेक्टर का एडिशन, लेकिन जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनमें से एक वेक्टर का हमें क्या लेना है, नेगेटिव वेक्टर लेना है। अब फिर से इस डायग्राम को देखो, यहां पे ये तुम्हारा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। वेक्टर डी का मतलब क्या है, वेक्टर डी का मतलब है रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, उनमें से एक तो वेक्टर ए है और दूसरा बी का नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो या रिवर्स कर दो। तो डायरेक्शन को इसका रिवर्स बना दो तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री।
अब ध्यान ना, ये भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं अगर दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है और साथ में क्या मालूम है, दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पे हम जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है, लेकिन अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर डी होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 120 डिग्री। और आगे पढ़ोगे अभी तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो कॉस 120 अगर -1/2 है तो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 + 9 = 25। कॉस 120 -1/2 तो ये क्या हो जाएगा, -12। तो अगले स्टेप में रिजल्ट क्या निकल के आ गया, √13। और √13 का मतलब हो गया वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, डी का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो जब मैंने ए और बी को ऐड किया तो आंसर मेरा क्या आया, जब मैंने ए और बी को ऐड किया तो आंसर मेरा आया 37। लेकिन जब मैं ए और बी को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर मेरा क्या निकल के आता है, 13 आता है। तो इसी तरह से हम दो वेक्टर को हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है दो वेक्टर का एडिशन। लेकिन जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं उनमें से एक वेक्टर का हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिस